अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 2020 पर सभी को शुभकामनाएं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में सभी लोग मोटापे और कमर दर्द से ग्रसित हैं, तो आज उसके लिए हम कुछ 3 आसन बताते हैं। आइए सबसे पहले करेंगे त्रिकोणासन। इस तरह से सांस छोड़ते हुए नीचे जाएं, खींच के रखें ऊपर अपने, देखें हाथ को, सांस भरते हुए आ जाएं वापस। दूसरा पैर मोड़ लें, फिर से जाएंगे, खींच के रखें कमर तक खिंचाव। यह आसन साइटिका वालों के लिए भी बहुत अच्छा और कमर दर्द में भी बहुत अच्छा। वापस आ जाएं। दूसरा आसन हम लोग करेंगे कमर के लिए, भुजंगासन। अब हम करने जा रहे हैं भुजंगासन। देखें, मैट पर लेट जाएं, पेट के बल पीछे से पैर मिला के रखें, सांस भरते हुए धीरे धीरे उठा दें अपने नाभि के ऊपर तक का भाग। थोड़ी देर इसको होल्ड करके रखें, देखें अपने कमर पे पड़ते हुए खिंचाव को, और सांस छोड़ते हुए वापस आएं। तीसरा आसन आज का जो हम करने जा रहे हैं, चक्की चालन, जो कि मोटापे के लिए बहुत अच्छा आसन है। देखें कमर का फैट और पेट का फैट दोनों में ही ये बहुत प्रभावी आसन। इस तरह से सांस भरते और छोड़ते हुए अपने पैरों को छुएंगे, देखेंगे पूरी पेट की मसल्स पर कितना प्रभाव पड़ रहा है। और आ जाएं वापस। तो योग का मेरे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जब से मैंने योग शुरू किया, मेरे थायराइड की सारी दवाइयाँ छूट चुकी हैं, 8 साल से ज़्यादा हो गए, मेरी सारी दवाइयाँ छूट चुकी हैं, मुझे मानसिक स्थिरता भी योग ने दी। और जिस तरह आजकल की ज़िंदगी में हम देख रहे हैं कि शारीरिक बीमारियों के साथ साथ मानसिक अस्थिरता इतनी बढ़ती जा रही है, आए दिन लोग नए नए केस सामने आ रहे हैं, तो मैं यही कहूँगी अंत में कि आप सभी लोग योग को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं, योग करें, रोगों से मुक्त रहें और खुश खुश रहें, प्रसन्न रहें, यही मेरी कामना है। नमस्कार।